स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक महीने तक मेगा सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य अचल संपत्तियों, लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक के रखरखाव में किसी भी तरह की कमी को दूर करना है। ध्यान रहे, इस अभियान के तहत मौजूदा प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और मानवीय पहलुओं की निगरानी की जाएगी और मुख्यालय व मंडलों के अधिकारी सघन निरीक्षण करेंगे और अभियान के दौरान निरीक्षण में पाई गई कमियों को सुधार सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त इस अभियान के दौरान सभी मंडलों में प्रत्येक दिन मुख्यालय के कम से कम एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। सभी मंडलों के प्रत्येक प्रमुख खंड को एक अधिकारी द्वारा नाइट फुट प्लेट निरीक्षण किया जाएगा। बताते चले, मंडलों के सभी खंडों का निरीक्षण DRM द्वारा किया जाएगा। अब आपको भारतीय रेलवे की पृष्ठभूमि से अवगत करा दें। दरअसल भारतीय रेलवे का जनक गवर्नर जनरल डलहौजी को माना जाता है, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। पहली बार रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में महाराष्ट्र के बम्बई ठाणे शहरों के बीच हुई थी, लेकिन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित की गई थी और 3 स्टीम लोकोमोटिव साहिब सिंध और सुल्तान द्वारा 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। आपको स्मरण करा दें, यूनेस्को ने भारत के 4 रेलवे स्थलों को विश्व विरासत स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये इस प्रकार हैं: दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन, मुंबई CST और कालका शिमला रेलवे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रेलवे एशिया में दूसरे स्थान पर जबकि वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान रखता है, जहां प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चीन विराजमान है। कुछ समय पहले भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना विजन 2024 लॉन्च किया था। योजना के तहत मल्टी ट्रैक भीड़ भाड़ वाले मार्ग 100% विद्युतीकरण करना है। साथ ही दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर ट्रेन गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने का प्रावधान है। हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे पूर्णतः विद्युतीकरण होने वाला नॉर्थ इंडिया का प्रथम जोन बना है। आपको स्मरण करा दें, एक वर्ष कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत के रेलवे बजट को 1824 सामान्य बजट से अलग कर दिया था। 1994 में पहली बार रेलवे का बजट टीवी पर प्रसारित हुआ। कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है: रेवाड़ी से रोहतक रेलखंड पर पहली बार CNG रेलवे सेवा शुरू हुई। भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास संगठन लखनऊ में है। अप्रैल 2021 में भारतीय रेलवे ने चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, जबकि पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई 1984 में। हाल ही में रेलवे सुरक्षा को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए सिस्टम कवच का परीक्षण दिल्ली लखनऊ मार्ग पर किया गया। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी, आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।